उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश के निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित अनुसूचित प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधकों की ओर से प्रवक्ता राम नरेश यादव ने पत्रकारों को बताया कि उत्तर प्रदेश के 1627 विद्यालय को डॉक्टर अम्बेडकर समग्र शिक्षा योजना बनाकर सरकार के द्वारा अनुदान पर लिए जाने की पहल की गई है। विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन की पहल पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले व गृह मंत्री राजनाथ सिंह और सांसद कौशल किशोर सांसद द्वारा भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की गई। राम नरेश ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सचिव समाज कल्याण उत्तर प्रदेश को इस योजना पर कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। क्या वजह है आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? मैं राम नरेश भारती, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश में 1627 विद्यालय निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित हैं, जिनमें लगभग 6 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मैंने भारत सरकार से इन विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लेने के लिए अनुरोध किया था और ये भी कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर समग्र शिक्षा योजना बना करके तत्काल प्रभाव से इन्हें अनुदान पर लिया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार को, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को जो है इस मामले को भेजा गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर बैठक की और बैठक करके समाज कल्याण मंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लेने का फैसला किया है। बल्कि मैं इस लंबित कार्रवाई से प्रसन्न नहीं हुआ, असंतुष्ट हूँ। क्यों? इसलिए क्योंकि पिछली सरकार में भी मैंने देखा था आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा, इस बार भी आश्वासन पे आश्वासन मिलता रहा। मैं पुनः अपने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी और हमारे माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से मैंने मुलाकात किया। उन्होंने फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सिफारिश की कि इसको तत्काल पूर्ण रूप से लागू किया जाए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डॉक्टर अंबेडकर समग्र शिक्षा योजना बनाने के लिए केसरी रंगारंजन कमेटी है, उसको प्रस्ताव के लिए भेज दिया है। प्रस्ताव आते ही ये विद्यालय पूरे देश प्रदेश में अमल में आएंगे और लाखों अनुसूचित जाति के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी उनमें कार्यरत। कहीं 2019 को देखते हुए आपने ये जो कदम उठाया है लोभ दिलाने के लिए जनता को तो नहीं ऐसा किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं